हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नाइन्थ क्लास ये हमारी है, नाइन्थ क्लास हम लेने जा रहे हैं, जिसमें हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे कि विलयन का वाष्पदाब किस तरह से बताया जाता है। तो बेटा, विलयन के वाष्पदाब को बताने के लिए मैंने एक इक्वेशन दी थी कि विलयन का वाष्पदाब घटक एक के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और घटक दो के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और किसी एक घटक के मोल अंश के साथ इस समीकरण के अनुसार बताया जाता है, जहाँ पी वन नॉट शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है, पी टू नॉट घटक दो का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है, एक्स वन घटक एक का मोल अंश है और पी टू फिर से वही घटक दो का आंशिक वाष्पदाब, ठीक है, शुद्ध अवस्था में। और ये है टोटल विलयन का वाष्पदाब, जो एक सरल रेखा की समीकरण के अनुसार बदलता है या दिखाया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर इस समीकरण पे मैंने बताया था कि इस क्लास में हम इस पर बेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेंगे। तो जैसे एक एनसीईआरटी की ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रॉब्लम है 2.8 प्रॉब्लम है। द वेपर प्रेशर क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी एक बिलियन है जिसमें दो घटक मौजूद है, घटक ए और वह घटक बी, दो घटकों से मिलकर वो बिलियन बना हुआ है। और इनके फिर कह रहा है प्रश्न कि दो एक द्रव ए तथा बी से के वाष्प दाब 450 से 700, एक का है 450 और एक का है 750 mm ऑफ Hg, ये हमको दोनों घटकों के वाष्प दाब दिए। तो डेफिनेटली ये ए और बी के दिए हैं, तो ये कौन से होंगे, शुद्ध अवस्था में होंगे, ठीक है। फिर प्रश्न कह रहा है एंड 700 mm ऑफ एच जी रेस्पेक्टली एट 350, एक का 750 नहीं केवल 700 लिखा है, 700, ठीक है, 350 केल्विन पे। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर, और विलयन का कुल दाब कितना दिया है, विलयन का कुल दाब दिया है 600 mm ऑफ एच जी, ये विलयन का कुल दाब दिखा है, ठीक है। अब प्रश्न ने पूछा है कि अब इस विलयन के अंदर प्रत्येक घटक का संगठन बताओ, यानी प्रश्न ने क्या पूछा है, प्रत्येक घटक का संगठन द्रव अवस्था में, यानी विलयन अवस्था में, द्रव अवस्था में, ओके। और दूसरा भी पूछा है विलयन का वाष्प अवस्था में संगठन भी बताना है, ठीक है। ये दो प्रश्न आपसे पूछे, पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लो कि भाई एक द्विअंगी विलयन है, और द्विअंगी विलयन क्या होता है, जो दो घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक घटक है ए और दूसरा घटक है बी, ठीक है। घटक एक का वाष्पदाब 350 केल्विन पर 450 mm ऑफ एच जी और घटक बी का 700 mm ऑफ एच जी, जब इन दोनों घटकों को हम मिक्स करते हैं तो उस विलयन का वाष्पदाब 600 mm एच जी हो जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक घटक, यानी हमने इनको कितना कितना लिया, इनकी सांद्रता क्या है। तो सांद्रता बताने के लिए आपको के पास अब ये इक्वेशन है, इसमें देखो ये सांद्रता ही तो है, घटक एक का मोल अंश क्या है उसके, उस विलयन में घटक एक की सांद्रता है। तो मैं इसी इक्वेशन को इस प्रश्न के लिए कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं मुझे पी एस दे रखा है 600 mm एच जी,
एक घटक, तो मैं उसको ए मान लेता हूँ, तो ये ए घटक का शुद्ध अवस्था में बाष्पीभाव हो जाएगा। दूसरा घटक बी है, तो मैं इसको बी घटक का शुद्ध अवस्था में बाष्पीभाव मान लेता हूँ। पर ये एक घटक, यानी मैंने एक घटक को, पहले घटक को ए माना था, तो ये ए का मूल अंश हो जाएगा और ये बी का शुद्ध अवस्था में बाष्पीभाव हो जाएगा। अब ये प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक घटक का संगठन द्रव अवस्था, यानी भाई मैंने जब ये विलयन बनाया था तो ए और बी को कितना लिया था, तो यहाँ से ए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो वो ही क्या होगा संगठन, मतलब एच से आपसे पूछा है और साथ में दूसरे घटक का मूल अंश भी आपसे पूछा है। ये दो चीज पूछी जो आराम से आप निकाल सकते हो, निकालते हैं देखो कैसे निकलेगा। तो हमको विलयन अवस्था में संगठन बताने के लिए एक इक्वेशन मैं पुट कर देता हूँ, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो वो वैल्यू देखो, आपको पूरे विलयन का वाष्पीभाव कितना दे रखा था प्रश्न ने, 600 mm ऑफ Hg, और पहले घटक का कितना दे रखा था 450, दूसरे घटक का कितना दे रखा था 700, और ये हमको x से पता करना है, और दूसरे घटक का कितना हो गया 700, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए मुझे x से कैलकुलेट करना है, तो 700 को मैं पक्षांतरण करके इधर ले आता हूँ, तो 600 माइनस 700, ठीक है, और बराबर ये आ गया 450 में से 700 गए तो कितने बचे, 250, ठीक है, कितने बच गया भाई, 250 बच गया, 600 700 में से गए तो 50 250, ठीक है 250 हो गया x से, यहाँ से 600 में से ये गया तो 100 बच गया, यहाँ से माइनस का 100, ये भी माइनस का बचेगा, माइनस का 100 बराबर माइनस का 250 x से, तो यानी ये आ गया x से माइनस कैंसिल आउट, x से आ गया 100/250, ठीक है। तो एक जीरो से, वैसे मैं आपको बता दूँ इसमें ये 700 लिखा हुआ था ये प्रॉब्लम में, बाकी आपके एनसीईआरटी की बुक में ये 750 लिखा होगा, हर बार मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ तो 750 होगा। तो वैसे तो मैंने इसको प्रश्न के अकॉर्डिंग कर दिया, बाकी अगर हम इसको 750 एग्जैक्टली सही माने तो 750, तो यहाँ भी कितना आएगा 750, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 150, और यहाँ बचेगा कितना 750 200, तो यहाँ बचेगा 300, ठीक है, तो यहाँ 300 होगा। ये प्रश्न सही, प्रॉब्लम ये है उसमें गलत लिखी हुई थी, तो मैंने गलत के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व किया है, और अब मैं इसको सही के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ, तो 300 आएगा ये, तो यहाँ 300 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी 1/2। तो घटक एक का संगठन, यानी उस विलयन के अंदर ए घटक का मूल अंश 1/2 है, तो बी घटक का कितना होगा, तो डेफिनेटली हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी का योग इकाई होता है, जब हमको एक्स बी पता करना है तो एक में से एक्स ए घटा देंगे, यानी आपको दूसरा घटक भी कितना मिल गया, 1/2 मिल गया, क्योंकि यहाँ वैल्यू 1/2 रखोगे ना, 1/2 आ जाएगा, यानी दोनों घटकों का मूल अंश उस विलयन में बराबर बराबर मौजूद है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि भाई इस विलयन में दूसरी चीज़ और पूछे कि वाष्प अवस्था में संगठन भी बताइए। तो वाष्प अवस्था में आप संगठन कैसे बताते हैं, देखिए तो बेटा वाष्प अवस्था में ही बताना है, इन पर थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि भाई एक बार सोचो कि प्रश्न दो तरीके से, एक और प्रश्न बताऊंगा मैं अभी इस पे, कि प्रश्न दो तरीके से है कि आपने एक द्विअंगी विलयन कैसे तैयार किया था, कि उसने एक द्रव ए मिलाया था दूसरा द्रव बी मिलाया था, इसका भी मूल अंश आपने कितना लिया था 1/2, और इसका भी मूल अंश आपने कितना लिया था
एक बटा दो। अब ये थोड़ी देर बाद में, पहले तो विलयन में तो इनका संगठन आपने बता दिया, अभी फाइंड आउट किया एक बटा दो एक बटा दो। अब ये अपन जानते हैं जब इसको अपन ने एक बंद पात्र में लिया है, तो बंद पात्र में लिया है तो यहाँ उड़कर ए घटक भी तो आया होगा और यहाँ उड़कर बी घटक भी आया होगा। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इस जगह पर इनका संगठन क्या है, इस जगह पर संगठन आपको प्रश्न पूछ के चल रहा है कि भाई घटक ए द्रव ए कितना वाष्प में आया और घटक बी भी कितना वाष्प में आया वो भी बताइए। तो हम जानते हैं कि ये वाष्प है और वाष्प अवस्था के अंदर ए घटक के द्वारा स्वयं के द्वारा आरोपित दाब है पी ए। पी ए को मैं देखो ध्यान से सुन लेना, पी ए नॉट तो था ए घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और पी वी नॉट भी था घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जो कि हमें प्रश्न ने ये तो दिया था 450 और ये दिया था 750। ओके, लेकिन ये पी नॉट हटा दूं, अब ये है आंशिक वाष्प दाब। अब इनको क्या पढ़ेंगे हम, आंशिक वाष्प दाब पढ़ेंगे। अब ये शुद्ध अवस्था में नहीं है, अब ये आंशिक वाष्प दाब है। और डाल्टन के नियम के अगर मैं मान लेता हूँ, माना कि वाष्प अवस्था में घटक ए तथा घटक बी के बी का मोल अंश क्रमशः वाई ए तथा वाई बी है। तब सुन लो, मैंने यहाँ विलयन अवस्था में माना है एक्स ए और एक्स बी, लेकिन मैं इस वाष्प अवस्था में इनके मोल अंश को मान रहा हूँ वाई ए और वाई बी, क्योंकि ये एक्जेक्टली पूरा यहाँ आया, ये तो संभव हो ही नहीं सकता कि भाई पूरा जितना हमने द्रव्य को यहाँ रखा वो पूरा ही उड़ के ऊपर आ गया, पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी आया उसको मैंने वाई ए मान लिया कि घटक ए का मोल अंश, और इसको भी मैंने मान लिया वाई बी घटक बी का मोल अंश। अब मैं यहाँ एक नियम अप्लाई करता हूँ आंशिक दाब नियम अनुसार, कौन सा है आंशिक दाब। अब मैंने तुमको आंशिक दाब का नियम साम्य अवस्था में भी दिखाया था कि साम्य मिश्रण पर किसी भी गैस का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब पी ए उस घटक के वाष्प अवस्था में मूल बिंदु के समानुपाती होता है, या मैं यूँ कहूँ कि उसका आंशिक वाष्प दाब उस मोल अंश उस घटक का मोल अंश वाई बी इंटू कुल वाष्प दाब पी एस के गुणनफल के बराबर होता है। यानी घटक ए का वाष्प दाब घटक बी की वाष्प अवस्था में मूल भिन्न और पी एस यानी कुल वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से अब वाई बी मैं निकालना चाहूँ तो वाई बी बराबर पी ए अपॉन पी एस निकल जाएगा। पी ए अपॉन पी एस, पी ए क्या है, तो पी ए के लिए राउल्ट के नियम से मैंने आपको बताया था, राउल्ट के नियम से पी ए का फॉर्मूला होता है पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी एस, ये राउल्ट के नियम से बताया। तो पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट हमको प्रश्न ने दे रखा है कितना, तो पी ए नॉट हमको दे रखा है यहाँ से वाई वी निकालने के लिए पी ए नॉट हमको दे रखा है 450
पी एक्स ए हमको दे रखा है 1/2 बटा पी एस हमको दे रखा है 600। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना। फिर वही है वाई ए निकालने के लिए वाई ए और वाई बी बराबर 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वाई बी निकल रहा है ना, ये भी आया, ए आया, तो यहाँ से यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा। अब भाई ये आपके यहाँ से निकल जाएगा, तो ये लगभग आएगा 0.37 के करिए, तो दूसरा अपने यहाँ की। ठीक है, तो ये बात है। अब ऐसे ही प्रश्न आप अगर करो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे और प्रश्न कहाँ हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर। तो देखो सेम क्वेश्चन आपके इस तरह का ये एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 2.5। एग्जाम्पल 2.5 आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद पीछे भी आपके क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में। हेक्टेन और ऑक्टेन 2.16 एक्सरसाइज का 2.16 क्वेश्चन है। वो कहता है, ले लेता हूँ मैं उसको, क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज का। ये कहता है हेप्टेन और ऑक्टेन फॉर्म एन आइडल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट, देखो एक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें अपन दो घटक कौन कौन से मान रहे हैं, एक तो है हेप्टेन और दूसरा है ऑक्टेन। ओके, और हेप्टेन और ऑक्टेन जो एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, इनके प्रेशर दे रखे हैं, इसका तो दे रखा है 105.2 किलो पास्कल। ठीक है, और दूसरा जो है आपके उसका दे रखा है आपके 46.8 किलो पास। ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन। अब आपसे पूछ रहा है 26 ग्राम तो ये रखा मैंने, ठीक है, और 35 ग्राम, 35 ये पैंतीस ग्राम ऑक्टेन, ठीक है, इनके मिश्रण का पीएस आपको पूछा। ओके, इक्वेशन हमको क्या यूज लेनी है पीएस बताने के लिए, इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, पीएस बराबर पी ए। अब एक घटक में किसको मान लेता हूँ, हेप्टेन को, तो हेप्टेन फिर का शुद्ध अवस्था में, फिर यहाँ दूसरा घटक, तो दूसरा कौन मान लेता हूँ मैं, ऑक्टेन का शुद्ध अवस्था में, फिर मैं यहाँ किसकी मोल भिन्न, क्योंकि पहला घटक इसको माना है, तो हेप्टेन की मोल भिन्न ले लेता हूँ, प्लस पी दूसरा घटक यानी ऑक्टेन की
शुद्धावस्था में वाष्प था। अब इसके अंदर हमको क्या क्या अवेलेबल है भाई, हेप्टेन का ये हो गया पीएच 9 और ये हो गया हमारे पास पी ऑक्टेन, ऑक्टेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प। इनको यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, पुट करता हूँ तो पी एस बराबर पी कितना 105.2 और ये कितना 46.8। और अब मुझे एक्स एच और चाहिए और ये हो गया 46.8 ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे पी एस फाइंड आउट करना है तो मुझे एक्स एच भी तो चाहिए। अब एक्स एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स एच निकालने के लिए इसके मोल बटा इस कुल मोल ठीक है। मोल अंश निकालने का फॉर्मूला ये है, अवयव के मोल बटा कुल मोल, तो वो मुझे चाहिए। अब मेरे पास तो मोल भी नहीं है, 26 ग्राम है। तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। और इस ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C8H18 ठीक है। अब इनके मोल द्रव्यमान 6, 6, 12, 72, 72 और 14 जोड़ो तो 72 और 14 कितने आएंगे, 6, 7, 1, 8 86 तो इसका हो गया मोल द्रव्यमान और इसका हो गया कितना 96 और 18 तो 8, 16, 9, 1, 10 और 1, 11 116 हो गया। तो अब मुझे इसके मोल निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके मोल निकालने के लिए मुझे इसकी मात्रा है 26 ग्राम, तो 26 ग्राम में कितने का भाग देना चाहिए, 86 का, ये तो इसके मोल हो गए। फिर ये इसके 26 बटा 86 इसके हो गए मोल और ये कितने हो गए आपके 35 बटा 116 ये इसके मिलेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक्स एच, और इस एक्स एच को यहाँ पुट करोगे तो आपको पी एस की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए क्वेश्चन को, तो इस तरह से ये सॉल्व होना है प्रश्न। इसके बाद और भी प्रश्न है वो ले लेते हैं। एक 2.37 और 2.38 अगर ये आपसे हो जाए तो एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है ये, एक बार आप खुद सॉल्व करना है इसको। नंबर लिखा देता हूँ, एक्सरसाइज का 2.37 है एक तो, और एक एक्सरसाइज का 2.38 एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो करना, वरना मैं कल नेक्स्ट क्लास में इसको लूँगा ठीक है। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने ये पढ़ा कि भाई पूरा वेपर प्रेशर बिलियन का वाष्प दाब क्या होता है। दूसरा हमने ये भी समझा कि भाई बिलियन में द्विअंगी बिलियन के अंदर वाष्प दाब कैसे बताया जाता है। तो द्विअंगी बिलियन के अंदर वाष्प दाब बताने में हमें राउत ने हेल्प की थी, और राउत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी घटक का विलयन में मोल अंश अगर ज़्यादा होता है तो उस घटक के कारण उत्पन्न होने वाला आंशिक दाब भी अधिक होता है। लेकिन विलयन कैसा होना चाहिए, विलयन होना चाहिए वाष्प, दोनों ही घटक वाष्पशील होने चाहिए, वेपर फेज में जाने चाहिए। अब हम ऐसे विलयन के को स्टडी करते हैं जिसके अंदर एक घटक क्या होगा, अवाष्पशील होगा। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कैसे बताया जाता है वो ले रहे हैं। तो हम दूसरा विलयन ले रहे हैं और वो है अवाष्पशील विलय
युक्त विलयन का वाष्पदाब वाष्पशील विलयुक्त विलयन का वाष्पदाब। इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास अभी तक क्या था, एक विलयन ऐसा था जिसमें दो घटक थे ए और बी। घटक ए बी वेपोराइज होता था, वाष्पीकृत होता था, और घटक बी भी वेपोराइज होता था। लेकिन इस बार क्या है, अवाष्पशील विलय युक्त, तो यहाँ विलय अवाष्पशील है, यानी मैंने इसको विलय मान लिया तो ये अवाष्पशील है, तो ये विलयन में नहीं जाएगा, ये वाष्प अवस्था में नहीं जाएगा। केवल और केवल वाष्प अवस्था में कौन जाएगा, बी घटक ही वाष्प अवस्था में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब ओनली और ओनली विलायक के कारण ही उत्पन्न होता है। तो और विलायक के कारण उत्पन्न होता है, तो फिर राउट के नियम के अनुसार विलायक की मूल भिन्न के ही समानुपाती होगा, विलय की मूल भिन्न से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं राउल्ट का स्टेटमेंट ले देता हूँ, राउल्ट कथन इस प्रकार के, इस प्रकार के यानी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब, विलयन इस प्रकार के विलयन का वाष्पदाब केवल विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, अर्थात पूरे विलयन का वाष्पदाब जिसे हम पी एस से डिनोट कर रहे थे वो केवल विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो पी एस समानुपाती विलायक की मूल भिन्न ये, और इसके लिए समीकरण अगर मैं डिजाइन करूँ तो पी एस बराबर पी नॉट एक्स विलायक, ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण समीकरण बन गई। जैसे अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए समीकरण आई थी पी एस बराबर पी वन माइनस पी टू एक्स विलायक प्लस पी टू, उसी तरह अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के का वाष्पदाब इस समीकरण के द्वारा दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण समीकरण हो गए हमारे समीकरण नंबर दो। अब इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन, इस पर हम वैकल्पिक रूप से कैसे लिख सकते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में।